अरे हम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ये जो बना रहे हैं इस गणेश भगवान जी की मूर्ति को कलर करना सीखेंगे तथा कलर पेंट करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इस गणपति बापा की मूर्ति को बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। फ्रेंड्स, पहले तो व्हाइट कलर से सारे तरफ पेंट कर दिए हैं, मैं बस थोड़ा सा ही कलर करके दिखाया हूँ। इस प्रकार से सारे तरफ कलर कर देंगे। मूषक राज को इसलिए नहीं कलर किया कि वहाँ पे ब्लैक कलर से पेंट करेंगे मूषक राज जी को, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से सारे तरफ व्हाइट कलर कलर कर देने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा ज्यादा करके व्हाइट कलर को मिला करके कुछ इस प्रकार का कलर बना दिए हैं, देख सकते हैं। और इसी कलर को मैंने शरीर पे अप्लाई किया हूँ। इस प्रकार से सारे तरफ पेंट कर देंगे। तो इतना कर देने के बाद डेप्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया हूँ पिंक कलर का, देख सकते हैं। इस प्रकार से सारे तरफ जितने भी जगह है वहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए कुछ इस प्रकार से अप्लाई कर देंगे, देख सकते हैं। ध्यान से देखते रहेगा और थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इस प्रकार की मूर्ति बनाने का वीडियो तथा मूर्ति कलर करने का वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम लोग सारे तरफ शरीर पे कलर कर चुके हैं। अभी हम लोग कानों पे और हथेली पे देख सकते हैं पिंक कलर से पेंट कर दें। पहले तो रेड कलर से पेंट करेंगे और बाद में मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर थोड़ा सा लगा करके पिंक कर दिया। आप लोग चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट पिंक कलर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों कलर को मिक्स करके बनाया हूँ। तो इस प्रकार से सारे तो पेंट कर देने के बाद धोती के ऊपर बीच वाले पार्ट को मैंने रेड कलर यूज किया हूँ और धोती को ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। तो इस प्रकार से दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से पेंट कर दिए हैं वहाँ पे। और इतना कर देने के बाद अभी मुकुट के ऊपर मैंने गोल्डन कलर का यूज कर रहा हूँ। इस प्रकार से सारे गोल्ड पे पेंट कर देंगे जितने भी पहने हैं भगवान जी, तो इसी सारे ज्वेलरी पे पेंट कर देंगे। तो चलिए फटाफट पेंट कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अंत तक बने रहिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो का लास्ट में।